दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है और हमारी टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की गिनती विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में होती है और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है भारत क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो भारतीय टीम के मुख्य ऑलराउंडर है। लेकिन काफी लंबे समय से फॉर्म में न होने की वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई है और इसी बीच भारतीय टीम ने एक ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ लिया है जो टीम में उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और सभी उस खिलाड़ी को दूसरा हार्दिक पांड्या बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी जो हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उससे पहले, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या में से किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़े बड़े मुकाबले खेलने के लिए साउथ अफ्रीका में मौजूद है और बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही उन्होंने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है और इसीलिए बीसीसीआई ने अब ओडीआई मुकाबलों के लिए भी अपनी खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे सभी पूरी तरह से भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मान रहे हैं। दरअसल, भारतीय टीम काफी लंबे समय से एक पूर्ण ऑलराउंडर की कमी झेल रही है क्योंकि मुख्य तौर पर भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलने वाले हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से अपनी खराब फॉर्म और कमर की चोट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो वहीं इसी चीज का फर्क भारतीय टीम को पिछले मुकाबलों में भी काफी ज्यादा देखने को मिला था और इसी वजह से भारतीय टीम ने 2021 के T20 विश्व कप में भी हार का सामना किया था, जिसके बाद भारतीय टीम सिलेक्टर्स ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक युवा बल्लेबाज को उनकी जगह टीम में शामिल किया है। दोस्तों, बीसीसीआई की टीम सिलेक्टर्स ने 2021 के आईपीएल के संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को एक ऑलराउंडर के तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबलों में टीम में शामिल किया है क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर ही वन मैन आर्मी बनकर कोलकाता को फाइनल तक पहुंचाया था और उन्होंने फाइनल में भी एक शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। उसके बाद शुरू हुए विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने एक ऑलराउंडर के तौर पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 शतक लगाए थे, जिसके बाद उन्हें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मान लिया गया था क्योंकि जितना वो अपनी बल्लेबाजी से टीम का साथ देते हैं तो वहीं गेंदबाजी से भी अपनी टीम को जीत दिलाने में कदम रखते हैं और इसीलिए उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर वेंकटेश अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को साबित कर देते हैं तो हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम में वापसी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या वेंकटेश अय्यर विदेशी मैदानों पर भी अपनी धुआंधार प्रदर्शन को कामयाब रख पाएंगे या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।